इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फ़ोन के अंदर जब हम फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं और उसमें बैंक अकाउंट को ऐड कर रहे हैं तो वो ऐड नहीं हो पा रहा है, कोई से भी बैंक को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर अकाउंट्स फंड्स प्लीज ट्राई अगेन लेटर्स वाला एरर आ रहा है बार बार। मैं यहाँ पर आपको बैक करके भी दिखा देता हूँ और यहाँ से इसको दोबारा स्टार्ट करके दिखा देता हूँ तो यही एरर आ रहा है। तो इसको सोल्व कैसे करें हम ये बात करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले जो है आपको यहाँ से इसको लेफ़्ट कर देना होगा यानी काट देना होगा बिल्कुल, और फिर अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आपको चले जाना है। ये रही फ़ोन की सेटिंग्स, इसको खोल लेना है और यहाँ पर आपको फ़ोन की सेटिंग्स को खोलने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको मिलता है एक ऑप्शन एडिशनल सेटिंग्स का, तो एडिशनल सेटिंग्स को खोल लेना है। यहाँ पर आपको टाइम एंड डेट मिलता है, इसको खोल लेना है और यहाँ पर इसको जो है ऑटोमेटिक टाइम एंड जोन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइम जोन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर आपको जो है यहाँ से बैक ला देना है। बैक लाने के बाद फिर बैक लाना है और यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप में जाना है और यहाँ पर अपने फ़ोन पे को ढूंढ लेना है या सर्च कर लेना है, यहाँ पर सिंपली आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम उसको ढूंढ लेते हैं, तो यहीं पर नीचे हमें फ़ोन पे मिल जाएगा तो देख लेते हैं। यहीं पर ये रहा फ़ोन पे, इसको खोल लेते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले यहाँ पर परमिशंस आपकी सारी चालू रहनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पर अदर परमिशंस भी चालू रहनी चाहिए और यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज पर क्लिक रहना चाहिए और सबसे एंड में यहाँ पर फोर्स स्टॉप पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपको यहाँ पर दोबारा बता दूँ, ऐप परमिशंस चालू रहनी चाहिए और यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज भी आपका चालू रहना चाहिए और फोर्स स्टॉप एक दफ़े कर दीजिएगा, फिर जो यहाँ से बैक लाइए बैक लाइए और एक दफ़े एरोप्लेन मोड को अपने फ़ोन में लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद एरोप्लेन मोड को बंद कर दीजिए और अपने फ़ोन पे को स्टार्ट करिए दोबारा से। तो ये रहा फ़ोन पे और ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर बैंक को ऐड करेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो है यहाँ पर आपको सिंपली किसी भी बैंक पर क्लिक कर देना है जो भी आपके नंबर से अटैच हो, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ये पकड़ लेगा इस और अकाउंट जो है आपका वो ऐड हो जाएगा। तो इतना सा प्रोसेस है बस, ये और कोई प्रोसेस नहीं है। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।